हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में और क्या डायरेक्शन एंड कंपोजिशन है फॉरेन ट्रेड का ऑफ इंडिया, उसे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेन ट्रेड का मतलब समझते हैं। अगर आपको फॉरेन ट्रेड का मतलब समझना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रेड क्या चीज़ है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से विद द मीडियम ऑफ मनी, तब हम उसे कहते हैं ट्रेड। अब देखिए, यही ट्रेड जब इंटरनेशनली होने लगे, मतलब सपोज इंडिया और चाइना ने ट्रेड करना शुरू कर दिया या फिर इंडिया और यूएसए ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तब हम उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। अब देखिए, फॉरेन ट्रेड पे इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो सकता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। सपोज कोई एक कंपनी है जो कि रिलायंस है, वो किसी यूएसए की कंपनी के साथ ट्रेड कर रहा है, जैसे कि गूगल, या फिर जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी जब ट्रेड होता है तब हम उसे कहेंगे फॉरेन ट्रेड। तो अब फॉरेन ट्रेड को समझने के बाद अब हम समझते हैं फॉरेन ट्रेड्स का दो टर्म जो कि हर जगह में इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम फॉरेन ट्रेड्स को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है इम्पोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक ऐसा सिचुएशन है जब हम किसी कंट्री से कुछ सामान मंगा रहे होते हैं अपने कंट्री में, तब हम उसे कहते हैं इम्पोर्ट। और जब अपने कंट्री का कोई सामान हम दूसरे कंट्री को सेल कर रहे होते हैं तब हम उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। सपोज एक ओप्पो का फ़ोन है जो कि हम चाइना से इंडिया में मंगाते हैं, तो इसे कहते हैं हम इम्पोर्ट। वही पे अगर हम अपने कॉटन्स को जो कि हाई क्वालिटी का है चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तब हम उसे कहेंगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, फॉरेन ट्रेड को हम डिटेल में समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में, ठीक है। देखिए, डायरेक्शन एंड कंपोजिशन को पहले मैं इंडिविजुअली उसका मीनिंग बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन एंड कंपोजिशन को नहीं समझ के आप उसके पॉइंट्स को पढ़ने जाएंगे ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है हमें जानना एग्जैक्ट मीनिंग क्या है डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर हम इसे समझ जाएंगे तो हम आसानी से इसके पॉइंट जो होगा आगे उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्शन एंड कंपोजिशन को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। सपोज आप एज्यूम कीजिए अपने आप को कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, और आपको आपका इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज चाहिए होगा, एक है मार्केट और दूसरा है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो उसी तरीके से एक कंट्री को भी फॉरेन ट्रेड करने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, एक होता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड और एक होता है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसे कि मार्केट में हम डील करेंगे अपने कस्टमर्स के साथ और अपने सप्लायर्स के साथ। कस्टमर्स माने जिन्हें हम अपने सामान को सेल करेंगे और सप्लायर जो जिससे हम सामान लेंगे। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ डील कर रहे होते हैं और हमारा रिलेशनशिप देखा जाता है कैसा है, जैसे कि इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशनशिप कैसा है उसे हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में। उसके बाद इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप कैसा है या फिर इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसा ट्रेड रिलेशनशिप है, उन सबको जब हम स्टडी करते हैं तब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में स्टडी करते हैं। फिर हम आ जाते हैं रॉ मटेरियल या फिर आप कह लीजिए कंपोजिशन ऑफ ट्रेड के बारे में, ठीक है। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में क्या क्या सामान का हम ट्रेड करते हैं उन सबको उसके अंदर में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। सपोज इंडिया क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि इंडिया का क्या खासियत है, हम अपने रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। वहीं पे हम टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, तो हम दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी अपने कंट्री पर मंगा के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है एक सिंपल सा और आसान सा मीनिंग डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक पॉइंट वाइज समझने के लिए डायरेक्शन एंड कंपोजिशन को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्शन से। इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी लिमिटेड था। हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन ट्रेड होता था वो होता था यूके, यूएस और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ। ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश राज्य के अंदर में थे। बट जैसे ही हमें आज़ादी मिलता है हमने अपना फॉरेन ट्रेड को काफ़ी एक्सपांड किया। हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना ट्रेड टाइज बनाया, जिनमें से चार ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक कंट्रीज जो कि मेनली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जैसे कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, ठीक है। उसके बाद हमने जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे उनके साथ भी अपना ट्रेड टाइज बनाया, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे एशिया और अफ्रीका के उनके साथ भी अपना ट्रेड टाइज बनाया। उसके बाद जो ईस्टर्न यूरोप है मेनली जो यूएसएसआर और उसके जो एलाइड कंट्रीज थे उनके साथ भी हमने अपना ट्रेड बनाया, ठीक है। और एट प्रेजेंट अगर हम अपना फॉरेन ट्रेड देखें तो हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है, फॉलोड बाय चाइना एंड यूएई। और अगर हम अपना एक्सपोर्ट शेयर देखें कि हम सबसे ज़्यादा किस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहला नंबर में आता है यूएस, दूसरा नंबर में आता है यूएई और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। मैंने परसेंटेज दिया हुआ है पर आप इस परसेंटेज पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोरोना वायरस के वजह से इस समय का जो सिचुएशन है उसे हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। तो आप अपने हिसाब से उस परसेंटेज को दीजिएगा। उसके बाद अगर हम इंपोर्ट शेयर पे आ जाते हैं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा हम जिस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं वो है चाइना, दूसरे नंबर पे है यूएसए और तीसरे नंबर पे है यूएई, ठीक है।
उसके बाद जब हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें, बायलेटरल ट्रेड मतलब जब दो कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेड होता है उसमें हम यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है हमें जब हम यूएसए से ट्रेड करते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा लॉसेस होता है जब हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चाइना से मंगाते हैं और चाइना को कम बेचते हैं, वहीं पे यूएसए को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। उसके बाद हम बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड पे। ठीक है, सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब समझते हैं। जितने भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, उन सबको इंक्लूड किया जाता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड के अंदर में। उसके बाद आप जितने भी इम्पोर्ट कमोडिटीज से उसे जान लेते हैं। अब हम मेनली जो इम्पोर्ट करते हैं वो क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट करते हैं, उसके बाद कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट करते हैं, और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स का इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, उनमें आता है एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरीज, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो फिनिश रिफाइनरी से आया हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है। उसके बाद अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से काफ़ी कमा है, और इसके पीछे में दो इम्पोर्टेंट रीज़न है। वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है कंट्री का वो बड़ा है, उसके बाद हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो भी बड़ा है। इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करने लगे हैं एट प्रेजेंट, और इसके पीछे में जो है गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसका काफ़ी बेनिफिट दिखने वाला है हमें लॉन्ग टर्म में। और हालांकि ये हमें अभी भी दिख ही रहा है, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट धीरे ही सही पर ग्रो करने लगा है। ठीक है, और आखिरी में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह मैं दे दूँ ये कि हमारा जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कमोडिटीज जिसे हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं उस कैटेगरी में आता है जेम्स एंड ज्वेलरीज। ऑलमोस्ट हमारा जो 17% एक्सपोर्ट होता है वो जेम्स एंड ज्वेलरीज के द्वारा ही किया जाता है। तो ये था पूरी डिटेल में फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन और डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।